जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध। 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन प्रेस वार्ता करेंगे। 24 सितंबर को ये प्रेस वार्ता होगी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। 28 सितंबर को पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च होगा। बड़ी अपडेट जयपुर से, धारा 144 के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब किसान भी प्रखर होकर आगे आने लगे हैं और साथ ही सरकार तो उनके साथ में कदम ताल मिला ही रही है। बिल्कुल मनीषा, कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित जो केंद्र सरकार की ओर से कानून बनाए गए हैं उसको लेकर चौतरफा विरोध देश भर में शुरू हो गया है। राज्यसभा में भी इस बिल का विरोध हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद ध्वनिमत से कानून पारित किया। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी तरह से जो रणनीति बनाई है, AICC की ओर से प्रोटेस्ट का रूपरेखा बनाई गई है, कार्यक्रम जारी किया गया है। सभी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो अपने अपने प्रभार वाले स्टेट्स में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, राजस्थान में भी जयपुर में, राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी मौजूद रहेंगे। कृषि बिलों को लेकर किस तरह से किसानों के हित में नहीं है ये बिल और किस तरह से केंद्र सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है वो किस तरह से किसानों के हित में है, किस तरह से ये बिल है वो कारपोरेट हाउस के दबाव में लाए गए हैं। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस कानून के पारित होने से कारपोरेट हाउसेस का कृषि पर कब्जा हो जाएगा, किसान अपने खेत में ही मजदूर बनकर रह जाएगा। तो इन बातों को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और आम जनता को और जागरूक किया जाए, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च का कार्यक्रम रखा है। लेकिन देखिए, राजधानी जयपुर में धारा 144 लगी हुई है कोरोना के चलते, तो ऐसे में कार्यक्रम में हो सकता है बदलाव भी हो। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है तो इस दिन कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी और इसी दिन विधानसभा क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन होंगे इस कानून के खिलाफ। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में कांग्रेस ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है और इसके अनुसार इस कानून का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है और पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। बिल्कुल दिनेश, देखिए माना यह जा रहा है क्योंकि धारा 144 लगी हुई है तो कार्यक्रम जो पूरा एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसमें बदलाव भी हो सकता है। विकल्प के तौर पर कुछ और बातें सामने आ रही है कि बदलाव होता है तो आखिर फिर किस तरीके से जो विरोध है वो दर्ज करवाया जाएगा? देखिए, कल भी जब PCC की ओर से कार्यक्रम तय किया गया था और सभी जिलों में केंद्रीय कार्यालय उनके सामने बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन धारा 144 11 जिलों में लगी हुई है, उनमें जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो इस तरह से प्रतीकात्मक तौर पे ये प्रोटेस्ट किए जाएंगे। आगे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी कोरोना से भी बता जा सके और एक अपना विरोध भी दर्ज कर आगे किस तरह के कार्यक्रम तय करेंगे, प्रतीकात्मक तौर पर आंदोलन किया जा सके और अपना विरोध दर्ज करवाया जा सके। मनीष, बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता होगी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ये प्रेस वार्ता करेंगे।